आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें, वे गुरुवार को नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती, यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन, इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं, इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है, ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं, हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज है। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। अरे वाह बेटा। हाँ, अब तो बहुरानी आने वाली है, एक आरामदायक मोटरसाइकिल ले ही लो। पर सिर्फ आराम ही नहीं, बजट में भी फिट होनी चाहिए। तो कर लो तैयारी मोटरसाइकिल लेने की। होंडा की 100 आ रही है, किफायती दाम, ज्यादा आराम, आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ। भागवत ने कहा, कितने दिन कितने शतकों से हम सभी धर्मों के साथ ही जी रहे हैं, इस बात को ना पहचानते हुए अगर हम अपने बीच के फर्क को बनाए रखने वाली नीति से चलेंगे तो कैसे होगा। भागवत ने कहा कि हिंदी स्वराज को ही हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, 75 साल की स्वतंत्रता को देखकर हमारे अंदर उत्साह जगा है, हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराते हुए भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक ही है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका शर्मा। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।